दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट कंगना रनौत एट खार पुलिस स्टेशन अक्यूजिंग हर फॉर हेटफुल रिमार्क्स एंड डिमांडेड द विथड्रॉल ऑफ पद्मश्री गिवन टू हर। एक बजे इतों के महाराष्ट्र के गृह मंत्री को मिलेंगे और यकीनी बनावेंगे कि कंगना रनौत जी उसके खिलाफ अरैसट वारंट कढ़ाए जाए, उसको अरैसट किया जाए और उसका जे वो मानसिक तौर पर बीमार है तो उसको मैंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, जे जानबूझ के नफरत फैला रही है तो जेल च रखा जाए। लेकिन इस गल में इस केस में कंकलूजन तक लेके जाने वास्ते अज असी सारे इतने मुंबई खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। मैं सारी संगत को और देश के लोगों को जानकारी देना चाहता है, इस औरत ने बहुत बार बार कहने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बदलिया और जिस तरह ने सिखों के उत्ते बहुत बड़ा हमला किया है, ये देश और दुनिया भर के सिखों के मन के अंदर बहुत रोस और गुस्सा है। मैं उम्मीद है कि यह पुलिस स्टेशन के इंस्पैक्टर जीवन ने मैंने कहा है तुरंत मुकदमा दर्ज करके कंगना रनौत के खिलाफ अरैसट वारंट लैके दूसरे अरैसट कर। Kangana Ranaut, who received Padma Shri Award earlier this month, lauded former Prime Minister Indira Gandhi, saying she took decisive action against Khalistanis. While also claiming that Indira Gandhi caused suffering to the nation, Kangana Ranaut said she crushed Khalistanis like mosquitoes at the cost of her life. Taking to her Instagram story, the actor did not name Indira Gandhi but said she crushed those working to disintegrate the country. Khalistani terrorists may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman. The only woman prime minister ne inko apni jooti ke niche crush kar diya tha. No matter how much suffering she caused to this nation, she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. Lekin desh ke tukde nahi hone diye, she said. Even after decades of her death, aaj bhi uske naam se kaapte hain ye. Inko waisa hi guru chahiye, she concluded.